आरपी नर्सिंग स्कूल मेन रोड टंगा गढ़वा झारखंड एएनएम जीएनएम डी फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। वर्तमान सरकार का एक वर्ष हुआ पूर्ण, गढ़वा जिले को मिली कई सौगात। 23 योजनाओं का हुआ उद्घाटन, 16 योजनाओं का हुआ शिलान्यास, 3213 लाभुकों के बीच हुआ परिसंपत्ति का वितरण, 20 को मिला ग्रीन राशन कार्ड, 6000 प्रधानमंत्री आवास योजना का कराया गया गृह प्रवेश, 30 लाभुकों के बीच वनाधिकारी पट्टा का हुआ वितरण, समारोह में कोविड-19 के मानकों का हुआ अनुपालन। आज दिनांक 29 दिसंबर 2020 को वर्तमान राज्य सरकार के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर गढ़वा जिले को कई सौगात मिले। गोविंद हाई स्कूल के मैदान में आयोजित किए गए समारोह में मुख्य अतिथि के द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। मौके पर विभिन्न विभाग से संबंधित कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य स्तरीय कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रसारण से की गई। गढ़वा जिले के लिए यह ऑनलाइन प्रसारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा गढ़वा जिले की दो योजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकलित राशि 1,344.42 लाख रुपए है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 15 योजनाओं का उद्घाटन भी उक्त अवसर पर किया गया, जिसकी प्राकलित राशि 11,211.987 लाख रुपए है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के समापन के बाद जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें उपायुक्त गढ़वा श्री राजेश कुमार पाठक के द्वारा 14 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकलित राशि 997.988 लाख रुपए है। इसके अलावा कार्यक्रम में 8 योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया, जिसकी प्राकलित राशि 181.207 लाख रुपए है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में निम्न परिसंपत्तियों का भी किया गया वितरण। सरकार की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी उपायुक्त समेत मंच पर उपस्थित अन्य पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। मौके पर पीएमईजीपी के 16 लाभुकों के बीच 88.82 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 30 लाभुकों के बीच 547.39 एकड़ भूमि का व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पट्टा वितरण किया गया। केसीसी ऋण वितरण के तहत 54 लाभुकों के बीच 35.71 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विभिन्न प्रखंडों के 165 लाभुकों को नया पेंशन योजना के तहत स्वीकृति पत्र दिया गया। वहीं खाद्यान्न आपूर्ति के तहत 20 लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विभिन्न प्रखंडों के 230 लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया गया, जिसमें प्रति आवास प्राकलित राशि 1.30 रुपए की दर से 299 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत नगर परिषद गढ़वा के 100 लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया गया, जिसमें प्रति आवास प्राकलित राशि 2.25 लाख रुपए की दर से 255 लाख रुपए है। एचजी के महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के तहत 2000 महिला स्वयं सहायता समूह सखी मंडल की महिलाओं के बीच RFCIF के तहत 5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि तथा समूह के संचालन हेतु 600 सखी मंडलों को CCL बैंक लिंकेज के तहत 6 करोड़ रुपए का ऋण एवं 34 PVTG महिला मंडलों को RFPVTG के तहत 5,10,000 रुपए समूह संचालन हेतु प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया गया। ऐसे में कुल 2,634 महिलाओं के बीच 1,105.10 लाख रुपए का वितरण किया गया,
मौके पर जेएसएलपीएस के द्वारा फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत 2 लाभुकों को प्रशस्ति पत्र का वितरण भी किया गया। इस अभियान के जरिए महिलाएं हंडिया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्यों को छोड़कर आय गतिविधियों से जुड़ी। उक्त अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6000 लाभुकों का गृह प्रवेश किया गया। वहीं पशुपालन विभाग द्वारा 14 पशुपालक किसानों को प्रति किसान 2 लाख रुपए की दर से 28 लाख रुपए का केसीसी वितरण किया गया। सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से विभिन्न योजनाओं के लाभुक यहाँ आए। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण लोगों को उपलब्ध कराया गया और सभी लोगों ने देखा कि राज्य सरकार किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, कितने क्षेत्रों में हम लोग प्रगति ले चुके हैं, हासिल कर चुके हैं। नई योजनाओं का भी शुरुआत किया गया है आज से, और गढ़वा के इस कार्यक्रम में सभी लोगों का सहयोग रहा। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, सरकारी कर्मी, और सबने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और आप लोग के प्रयास से यह कार्यक्रम ससमय और अच्छे ढंग से संपन्न हुआ, इसके लिए मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सर, कोविड-19 को लेकर सर क्या बोलना चाहते हैं? सर, कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए आज के कार्यक्रम में आपने स्वयं देखा कि सभी को मास्क दिया गया, सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाने का प्रयास किया गया, सैनिटाइजर का भी हमारे यहाँ उपलब्ध कराया गया, और आप लोग भी स्वयं देख रहे थे कि यहाँ पर जो भी हमारे दर्शक थे वे सभी मास्क में उपस्थित थे, और आप लोग का भी एक अच्छा सहयोग मिला। थैंक यू। जो सर आज तक सर जो सर बच्चे लोग सर स्कूल सर जो सर बंद है, इसके बारे में सर क्या बोलना चाहते हैं? सर, स्कूल खोलने के भी राज्य सरकार के निर्णय हो रहे हैं, कुछ विद्यालय खोले जा रहे हैं हायर स्टडीज के लिए। जो भी निर्णय होगा समय पर आप लोगों को भी माध्यम से संसूचित हम कर देंगे। हमारे यहाँ किसान पंप हाउस में मोटर, स्मर्सिबल, नल, चापाकल, जनरेटर पार्ट्स, पाइप, डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। वरुणा पंप्स, अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसार रोड, आनंदमान स्कूल के बगल में, MEI डेंटल केयर दांत का अस्पताल, BP प्लाजा के बगल में, हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स, मेन रोड गढ़वा। यहाँ सभी प्रकार के दांत एवं मुंह से संबंधित रोगों का इलाज आधुनिक मशीनों द्वारा कुशलता पूर्वक मिनिमम रेट में किया जाता है। संपर्क करें 9162943073। गुप्ता IT सॉल्यूशन, लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल एंड सर्विस सेंटर, BP प्लाजा के बगल में, हाजी इमाम कॉम्प्लेक्स, मेन रोड गढ़वा। हमारा संपर्क नंबर है 7995718499। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।